नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड बेबी के बारे में। बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनकी छोटी उम्र में ही शादी हो गई होती है, मगर उनका पहला बेबी तो आराम से हो जाता है, मगर वो सेकंड बेबी के लिए हमारे पास आते हैं। अब सेकंड बेबी के बारे में वीडियो इसलिए बनाने के लिए सोचा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है इस चीज़ को लेकर, और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इस चीज़ को लेकर हमारे पास आते हैं। तो पहले तो ऐसा है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैम, पहला बेबी तो ठीक टाइम पे हो गया, उसके बाद बच्चा छोटा था, हमने ट्राई नहीं किया, और अगर हमें प्रेगनेंसी हुई थी तो हमने दवा लेकर अबॉर्शन करा दी, और फिर अब हमें दोबारा सेकंड बेबी हो ही नहीं रहा और टाइम निकलता गया, प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। अब सेकंड बेबी की जो पुराने ज़माने में जो दादियाँ होती थी वो लोगों को समझाती थी कि साथ साथ दोनों बच्चे कर लीजिए, फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी, यह बात काफ़ी हद तक सच है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वह काफ़ी देर तक वेट करते रहते हैं कि अभी बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए। न्यूक्लियर फैमिलीज़ के कारण ही ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बच्चे की देख रेख, एक बच्चे की देख रेख करना मुश्किल होता है, तो दूसरा बच्चा जो है उसको पालने के लिए लेडी में के पास उतनी हेल्प नहीं होती है। मगर ऑन दी अदर हैंड, उसके बाद जो वो डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी इलाज पे पैसा खर्च करेंगे और वक्त ज़ाया करेंगे, वह भी कम नहीं है। सो इसलिए जो दो से तीन साल का अंतराल बताया जाता था, या तो हमारे दिमाग में हो कि हमें दूसरा बेबी लेना ही नहीं है, जो भी एक ठीक सोच है, मगर अगर हमारे दिमाग में हो कि हम दूसरा बेबी लेंगे तो उनका जो गैप है वो हेल्दी होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि सेकंड बेबी को बहुत लंबे समय तक लटकाने से, ना होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? पहली चीज़ तो ये है कि लेडी की उम्र बढ़ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे ओवरी में एग कम होते जाते हैं, ओवेरियन रिजर्व्स कम होते जाते हैं, और प्रेगनेंसी होने की संभावना कम होती जाती है। तो पहले टाइम में ऐसा कम होता था, आजकल ज़्यादा होता है। कुछ हद तक हम ओवरी में या अंडेदानी में एग का कम होना काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे कि एग कम होने के केमिकल एक्सपोजर, पोल्यूशन एक्सपोजर, या किसी भी कारण करके ओवरी जो है वो बहुत एकदम से छोटी होती जा रही है और उसमें एग की मात्रा भी कम होती जा रही है। अब कुछ पेशेंट्स जो हैं उनके, जब वो आते हैं तो उनके ओवरी में इतने कम एग होते हैं तो हमें लगता है कि इनको अब सेकेंड बेबी होगा ही नहीं या इनको अब डोनर लगेगा। तो अपनी उम्र का भी इस चीज़ में, यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी की 30 साल में शादी हो गई, 32 साल में पहला बच्चा हुआ, और जब तक बच्चा 6 साल का हुआ तो पेशेंट ने ट्राई नहीं किया, तो 37-38 साल तक तो ओवरी में वैसे ही एग उम्र के कारण भी कम हो जाते हैं। कुछ लोग कम एज में भी आते हैं जिनकी ओवरी में एग कम होते हैं। ऐसा सबसे पहला कारण जो जल्दी बेबी लेने के लिए, वो ये है कि अपनी उम्र का लिहाज करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अंतराल डालने से नुकसान होगा। दूसरी चीज़ जो हो जाती है वो ये होती है कि कुछ लेडीज़ पहला बच्चा होने के बाद बहुत वेट गेन कर लेती हैं, जिसके कारण आजकल हम देख रहे हैं कि पहले वो PCO नहीं होते, मगर पहला बच्चा होने के बाद उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो उनको PCO हो जाता है। तो ये जो है बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, यानी कि ओवरी में एकदम अंडे कम हो जाना या एकदम बढ़ जाना वेट बढ़ने के कारण, तो ऐसा बहुत वाइड स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। नॉर्मल पेशेंट बीच बिचाले में कम देखते हैं, बहुत कम और बहुत ज़्यादा वाले जो हैं वो हम ज़्यादा देखते हैं। तो एक तो जो फर्स्ट बेबी होता है उसमें हम पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि जैसे घर में लोग सलाह देते हैं कि आपके पेट में बच्चा है तो अब आप दो जन का खाइए, या बहुत ज़्यादा आप डाइट अच्छी कीजिए, तो कुछ लोग अननेसेसरीली ही अपने जो वेट गेन कर लेते हैं। तो पहले बेबी के दौरान अपना के बाद अपना वेट नियंत्रण में लाना और बहुत ज़्यादा वेट गेन ना होने देना, और उसको जो अगर वेट गेन हो भी गया है उसको तुरंत शेड कर लेना किसी भी फास्ट रैंडम तरीके से, तो वो भी एक जो है अच्छी सलाह है। और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करना चाहिए, और अगर वेट गेन हो जाता है तो उसको तुरंत कम कर लेना चाहिए। तीसरी जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो ये है कि कुछ तरह की ऐसी बीमारियाँ जैसे कि फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रोसिस, वह भी बहुत देर तक बेबी ना पैदा करने के कारण ज़्यादा होती हैं। यानी कि पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि बच्चेदानी या तो बच्चे पाल लेगी या फिर एक रसौली पाल लेगी। तो जो पेशेंट्स बहुत लंबे समय तक बेबी नहीं करते, उनके यूट्रस में और ओवरीज़ में एक तरह की रसौलियाँ पैदा हो जाती हैं। अब जो है इसका साइंटिफिक बेसिस भी है कि जैसे पुराने ज़माने में लोगों के बेबीज़ होते थे तो उनको काफ़ी हद तक पीरियड्स नहीं आते थे,
फिर लेडीज़ बच्चों को दूध पिलाने में बहुत पर्टिकुलर थी, तो 6 महीने 1 साल तक वो बच्चे को दूध पिलाती थी तो तब भी उनको पीरियड्स नहीं आते थे, तो 1-2 साल का पीरियड्स ना आने का गैप हो जाता था। अब आजकल के टाइम में एक तो बच्चे का नंबर कम है, उसके ऊपर से जो बच्चे को दूध जो है वो आजकल लोग नहीं देते अपना, और टॉप फीड वगैरह देते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी पीरियड्स रिज्यूम हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पीरियड आने के कारण ही यूट्रस और ओवरीज को ज़्यादा ईस्ट्रोजन की मात्रा मिलती है, जिसके कारण रसौलियाँ बनने का खतरा बढ़ जाता है। तो जैसे ही पेशेंट्स पहला बेबी हो जाता है, उसके बाद जब दूसरा बेबी बहुत ज़्यादा गैप के बाद आते हैं, तो उनके हमें यूट्रस और ओवरीज में कुछ ना कुछ पैथोलॉजी ज़रूर मिल जाती है। तीसरा जो है एक बड़ा सवाल जो आजकल पैदा हो रहा है कि बच्चे जो हैं उनको सेकेंड बेबी की ज़रूरत होती है, यानी कि आजकल के जो बच्चे हैं वह अकेले रहने के आदि हो गए हैं क्योंकि उनके सिबलिंग्स नहीं होते, तो वह जो है उनको शेयरिंग की हैबिट नहीं होती, उनको किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। तो हमारे बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए भी अच्छा है कि उसके पास सिबलिंग्स हों, ताकि उसे अकेला ना महसूस हो, और उसका हम उम्र जो है छोटा भाई या बहन हो जिससे वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीखें, और फ्यूचर में भी हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे दिमाग में सेकेंड बेबी का थॉट है तो हमें साथ के साथ उसको निपटा लेना चाहिए। अगर हम सेकेंड बेबी को बहुत लंबे समय तक डिले करेंगे किसी भी कारणवश, तो वही जो हम समय या पैसा उस टाइम बचा रहे हैं वही हमें बाद में डॉक्टरी इलाज पर खर्च करना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट है वो है प्रिवेंशन, कि हम इस प्रॉब्लम को आने से बचा लें, टाइमली 2 बच्चे कंप्लीट करके, फैमिली कंप्लीट करके, फिर ही उसके बाद रेस्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।